हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन फूड जोन। हमारी आज की रेसिपी है चना दाल की पकौड़ी। आइए देखते हैं इसमें लगने वाली सामग्री। चना दाल 250 ग्राम, जिसे हमने रात में फुला लिया था, 4 प्याज कटी हुई, नमक स्वाद के अनुसार, खाने वाला सोडा, थोड़ी से चना दाल को हमने गोटा ही रखा है, धनिया पत्ता कटा हुआ, अदरक, जीरा, लहसुन और 2 मिर्च कटी हुई। मिक्सचर जार में हम सबसे पहले लहसुन, जीरा, अदरक, अदरक को हमने टुकड़ों में काट लिया है और हरी मिर्च के भी हमने टुकड़े कर लिए हैं, उसे डाल दें। ऊपर से चना दाल डालेंगे। थोड़ा सा चना दाल हमने फुला हुआ अलग रख लिया है, उसे इस पेस्ट के ऊपर में डालेंगे जब ये अच्छी तरह से पिस जाएगी। इससे पकौड़ी बहुत ही कुरकुरी बनती है। अब इसमें खाने वाला सोडा ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा ना लें, बस इतना थोड़ा सा। नमक स्वाद के अनुसार, हमने यहाँ पर इन सब चीज़ों को एक साथ इसलिए डाल दिया है ताकि जब ये पीसे तो सब एक साथ अच्छी तरह से मिल जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालनी है क्योंकि चना दाल में ज़्यादा पानी नहीं लगती है, बस थोड़ा सा। देख सकते हैं दाल को हमने बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं की है, थोड़ा दरदरा रखा है। ज़्यादा बारीक पीसेंगे तो पकौड़े में उतना टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसे थोड़ा दरदरा ही रखा है। देख सकते हैं मिर्ची, लहसुन सबके हल्के हल्के टुकड़े हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हुई है। अब इसे एक बाउल में डाल लें। इसे एक बाउल में अच्छी तरह से निकाल लें ताकि और भी सामग्री जब इसमें हम मिलाएं तो वो सानने में आसानी हो। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 प्याज लिया था, जिसे थोड़े बारीक टुकड़ों में काटा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। देख सकते हैं चना दाल जो मैंने पहले ही निकाल के रखा था और हरी धनिया की पत्ती, इसे डालकर चना दाल के पेस्ट के साथ में अच्छी तरह से मिला लें। चम्मच से मिलाने में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए इसे मिलाने के लिए आप अपने हाथों का प्रयोग करें। ये हाथ से बहुत अच्छी तरह से मिलती है, इसलिए इसे अपने हाथ से ही मिलाएं, जिससे कि प्याज के टुकड़े जो बड़े बड़े दाने हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में फैल जाए और जब हम पकौड़े बनाएंगे तो प्याज के दाने अलग अलग पकौड़े में मिले। ये बहुत अच्छी तरह से मिल चुकी है, अब हम इसके पकौड़े तल लेंगे। आंच पर तेल गर्म हो चुकी है, अब हम पकौड़ों को तल लेंगे। हमने पकौड़ों को गोल गोल नहीं किया है, इसे इस तरह से चपटा किया है, इसे अच्छी तरह से पक जाएगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। इसी तरह से सारे पकौड़ी को तल लें। देख सकते हैं इसे डाले हुए 2 से 3 मिनट हो चुकी है, अब इसे हल्का सा हिला दें जिससे कि ये नीचे तरफ से जले ना। अब इसे दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से तल लें। देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी हुई है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, इसे हरी चटनी के साथ में सर्व करें। पकौड़े दूसरी तरह से भी बहुत अच्छी तरह से तल चुके हैं, अब इन्हें निकाल लें।
इस तरह से निकालें ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। उसे गर्मा गर्म सर्व करें।